अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ रजबन बाजार में आज उस समय हड़कंप मच गया जब स्वास्थ्य व पुलिस विभाग की टीम ने लाल बहादुर शास्त्री पब्लिक स्कूल के निकट स्थित एक टेंट व्यवसायी के घर को घेर लिया। एम्बुलेंस बाहर खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में एक महिला रोती हुई आई, उसे बैठाकर एम्बुलेंस चली गई। यह वाक्य आज दोपहर बाद सदर थाना क्षेत्र के रजबन बाजार का है। दरअसल रजबन चौक पर एक टेंट व्यवसायी है, वह लाल बहादुर शास्त्री पब्लिक स्कूल के निकट रहते हैं। आज उनकी गर्भवती पत्नी दिखाने के लिए बेगमपुर स्थित जीवन ज्योति नर्सिंग होम गई थी। वहां परीक्षण के दौरान उनमें कुछ लक्षण कोरोना से मिलते जुलते पाए गए। इस पर तुरंत ही स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी गई। आइए देखते हैं रजवन बाजार का वह दृश्य। दूरबीन है पूरा, ये दिमाग खराब हो रहा है। ऐसी उम्र वालों को तो ज्यादा है ना। तुम काहे के लिए आ रहे हो? ये गई सीधा एक ही जना बैठे हुआ है, रो रही है, ले गए सिंगल बैठे, एक ही जना बैठा हुआ है बस। हाँ बस हटो हट बनने हटो तो जाना आगे जाने तुरंत ना तो गए तुरंत ना देखने। अब पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने व्यवसायी के घर व जीवन ज्योति होम को भी अपने दायरे में ले लिया है। वह भी अब हॉट स्पॉट की श्रेणी में आ गए हैं। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।